कुछ कहानियों को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती, उनका अस्तित्व ही एक समृद्ध परंपरा और इतिहास का प्रमाण है जो बहुत कुछ कहता है। ऐसी ही एक कहानी है सुकरीगढ़ा गांव की। यह मनमोहक गांव मानचित्र पर छुपे हुए रत्न की तरह चमकता है। यहाँ आभूषण बनाने की कला सिर्फ एक आजीविका नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। यहाँ स्थित हर घर जटिल रचना और कालातीत सुंदरता की कहानी बयां करती है। यह कारीगर कीमियागर की तरह कच्चे माल को उत्तम आभूषणों में बदल देते हैं। इस व्यापार में गहराई से जुड़े इन कारीगरों का कौशल सदियों की परंपरा से निर्देशित होता आ रहा है। इनकी हर रचना इनके कौशल और जुनून के मिश्रण को दर्शाती है। प्रत्येक टुकड़ा एक कहानी कहता है। नाजुक चांदी के फिलाग्री से लेकर अलंकृत हस्तनिर्मित सोने के झुमके तक, कीमती धातुओं से सुंदरता गढ़ने वाले कारीगरों का हुनर वाकई मानवीय सरलता और कलात्मकता के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। यह गांव रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में स्थित है और यहां बनाए गए आभूषणों की मांग न केवल हमारे राज्य में बल्कि उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी आती है। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा कि चमक ही सोने की पहचान होती है, चमक ही सोने की पहचान होती है और ये खूबसूरत गांव ही भारत की शान होती है। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा प्रयास रहता है कि गांव की जिंदगानी, यहां की किस्से कहानी हम आपके सामने लेकर आएं। और आज इसी यात्रा पर हम निकल चुके हैं सुकरीगढ़ा गाँव, एक ऐसा गाँव जो कि स्वर्णकारों के कुटुम्ब के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है यहाँ पर 1000 से अधिक स्वर्णकार हैं जो सदियों से यहाँ पर सोने, चांदी और साथ ही कांसा के मेटल से अलग अलग तरह के जवाहरात बनाते आ रहे हैं। तो हमारी जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है, आप भी निकल चलिए और साथ चल चलते हैं आज सुकरीगढ़ा गांव। इस गांव में स्वतंत्र स्वर्णकारों का सहयोगात्मक दृष्टिकोण इन्हें और भी खास बनाता है। यहाँ प्रत्येक कारीगर स्वतंत्र रूप से काम करता है, किंतु आभूषण उत्पादन के जटिल और श्रम गहन चरणों के लिए साझा कार्यशालाओं का उपयोग करने के लिए यह एक साथ आते हैं। इन कार्यशालाओं में अपनाए गए पारंपरिक तरीकों में एक निश्चित कालातीत आकर्षण और शिल्प कौशल है। अभी इस क्लस्टर में मशीनें आना शुरू हो गई हैं, उसमें कुछ मशीन आया है और अभी कुछ आना बाकी है। उसमें से एक ये बॉटम पोरिंग मशीन है। इस मशीन का काम है कि हम लोग पहले 3D प्रिंटर में डिजाइन करेंगे और उस डिजाइन को हम लोग इसमें कास्टिंग करेंगे। अपने हिसाब से जो भी डिजाइन निकालना हो, जिस तरह का डिजाइन निकालना हो, 3D प्रिंटर से हम लोग निकालेंगे और इसमें इसको कास्टिंग करेंगे। कच्चे माल को उत्तम आभूषणों में बदलने की यात्रा में जटिल चरणों की एक श्रृंखला शामिल होती है, जिसमें धातु को पिघलाना, तार को रोल करना, इन्हें कट और पॉलिश करने जैसी विभिन्न प्रक्रिया शामिल है। कारीगरों द्वारा कार्यशाला का सहयोगात्मक उपयोग गांव के भीतर समुदाय और साझा संसाधनों की भावना को बढ़ावा देता है। यह उन्हें अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, ज्ञान साझा करने और उनके आभूषणों को परिभाषित करने वाली शिल्प कौशल की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने की दिशा में सामूहिक रूप से मदद करता है। हम लोग जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार बहुत सालों से चला आ रहा है, दर पीढ़ी चला आ रहा है। हमारे पिताजी,
दादाजी ये सब करते चले आ रहे हैं, अभी हम लोग भी चला रहे हैं। बाकी जो भी सामान बनता है प्रयास करते हैं बढ़िया से बढ़िया बना के बाजार में लाने का। चैन गूथ रहे हैं इसको, उसके बाद सोल्डिंग करेंगे इसको, उसके बाद सोल्डिंग करने के बाद ये तैयार होगा, उसके बाद माटी का लेप लगा के इसको बैठाएंगे। इसके बाद इंटरेस्ट आए पापा से सीखे हैं काम। इन कारीगरों के घरों के बाहर की सड़कों पर लगन से सफाई करने वाले ये सफाई कर्मी न केवल सफाई का कार्य कर रहे हैं बल्कि एक अनोखे और विशिष्ट व्यवसाय में लगे हुए हैं। इस काले रंग की विशेष लकड़ी की टोकरी से लैस ये सफाई कर्मी सड़कों से धूल के कणों को सावधानी पूर्वक इकट्ठा करते हैं। जो चीज उन्हें अलग करती है वह है इस सांसारिक गंदगी से मूल्यवान सोने और चांदी के कणों को अलग करने की उनकी असाधारण कुशलता। ये कीमती कण अक्सर कारीगरों के घरों के सामने रोजमर्रा की गंदगी के साथ जमा हो जाते हैं। इन कारीगरों की भांति ये भी पीढ़ियों से इस कार्य को करते चले आ रहे हैं और इसी के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं। बचपने से ऐसे ही काम करते हैं, हमारा पापा हमारा दादा यही काम करते हुए अभी भी है। तो क्या हुआ कि हम लोग अभी आते हैं काम करने, तो हम लोग का थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी इस वजह से नहीं हो रहा है ना, तो काम में हम लोग और जल्दी से शादी वादी भी होती है काम की वजह से। जी इसमें जैसे कि सुनार दुकान जो रहते हैं तो उसमें क्या है झाड़ू लगाते हैं हम लोग आंगन सब में, तो उसमें से क्या है उन लोग तो झाड़ू करते भी हैं उसके बावजूद भी थोड़ा सा कन पैर में कपड़ा में छिटक जाता है, तो उसमें क्या है कि हम लोग कुछ दूरी तक हम लोग उसको सफाई करते हैं। तो उसमें अभी देखें आप लोग तो थोड़ा थोड़ा बारीक का कन मिलता है, तो इसी से हम लोग का अपना रोजी रोटी हो जाता है। सुकरी गढ़ा ने भले ही जौहरियों के गांव के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की हो लेकिन झिलमिलाता मुखौटा अक्सर कई कारीगरों द्वारा सामना किए गए अंतर्निहित संघर्षों को छिपा देता है। अपने उल्लेखनीय कौशल के बावजूद कुछ कारीगरों को वित्तीय स्थिरता की तलाश में वैकल्पिक व्यवसायों को अपनाने के लिए कारीगरी की विरासत को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आश्चर्य की बात है कि उनमें प्रभावशाली शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति भी शामिल है जो आवश्यकता के कारण जौहरी के रूप में अपनी जड़ों की ओर लौट आए हैं। दुर्भाग्य से उनके प्रयासों को अब तक वह समृद्धि नहीं मिल पाई है जिसके वो हकदार हैं। ये काम जो अपने पेरेंट्स से अपने भैया और साथ साथ बाहर में भी ट्रेनिंग लिए हुए हैं और मेरी पढ़ाई BSc मैथ ऑनर्स से हुआ है, तो काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखे, कंपटीशन का भी फेस करते गए। लेकिन तत्काल देखिए कंपटीशन काफ़ी टफ है, वैकेंसी आती नहीं है बहुत कम। अभी तत्काल आप देखेंगे कि 5 साल से एक सचिवालय का एग्जाम है, काफ़ी दिनों से अटका हुआ है। तो हम लोग अगर हम इस काम को अभी सीखे नहीं रहते तो बहुत बेरोजगारी का जो समस्या है बना हुआ रहता। लेकिन देखिए काम अभी है, अपना काम जारी रखे हुए हैं। इस वित्तीय कठिनाई के पीछे प्रमुख कारणों में से एक है गांव के आभूषण बनाने वाले समुदाय के भीतर संगठन की कमी। वैसे तो पूरा गांव इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है किंतु आज भी यह असंगठित रूप से कार्य कर रहे हैं। हालांकि यहां परिवर्तन के बीज बोए जा चुके हैं जिससे एकता और संगठन के साथ कारीगरों का यह एकजुट समुदाय अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सकता है और वैश्विक आभूषण बाजार में एक मान्यता प्राप्त ब्रांड बन सकता है। यह बदलाव न केवल गांव वालों के लिए वित्तीय स्थिरता लेकर आएगा बल्कि साथ आने वाली पीढ़ियों को इसे अपनाने और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। बेहतर प्लेटफॉर्म होता तो इसको और बेहतर ढंग से किया जा सकता था, लेकिन अच्छी कोशिश है भैया लोग, अक्षय जी अभी भैया जो अयोध्या वर्मा जी हैं, तो एक बदलाव का समय है। अगर इसमें अच्छा काफ़ी युवाओं को मौका मिलता है तो बहुत आगे निकल सकते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी टैलेंटेड है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, साथ साथ एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर हम सबको मिल जाए तो बहुत आगे निकल सकते हैं। इस गांव के एक तरह से हम लोग को वरदान था, क्या बचपन से हम लोग काम से जुड़े हुए रहते हैं,
और काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन अच्छा मार्केट नहीं मिलने के कारण एक बजट, एक देखिए किसी भी चीज़ के लिए एक बजट भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ का बैंक का कहीं ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाता है, तो छोटे पैमाने पर हम लोग काम करते हैं। अगर हर तरह एंगल से अगर बढ़िया काम मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो बहुत आगे निकलेंगे। तो ये इसका फाइनल कलर होता है जो सीधे यहाँ से मार्केट में जाता है, और वो कलर करने के बाद हम लोग इसमें करते हैं छिलाई। मतलब मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है ना कि उसके अंदर जो शाइनिंग होता है, ब्राइटनेस होता है, वो छीलने से उसके जैसे कटिंग करेंगे उसे बीच से, तो उसका शाइनिंग बाहर निकल के आता है। तो हम लोग यहाँ क्या होता है कि ये मशीन है और ये होता है टूल्स, ये पार्ट जो घूम रहा, रिवॉल्व हो रहा है। तो इस टूल्स में यहाँ पर डायमंड लगा होता है, तो डायमंड के मीडियम से क्या होता है, ये तो मेटल ऑलरेडी बहुत टफ होता है, इसको काटना मुश्किल है, तो डायमंड जैसा कुछ सॉलिड मटेरियल चाहिए जो टफ हो, जो बहुत इजीली इसको कट कर सके। मतलब छिलाई होता है, ये जो ऊपर का सरफेस होता है उसको छीलते हैं हम लोग यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे जितने मशीनरी आप देख रहे हैं, हम लोग एसिड का यूज करते हैं, एसिड के बाद फिर मैग्नेट मशीन है, ब्रश मशीन है, और कलर भी जैसे हम लोग करते हैं तो दो तरह का कलर करते हैं, एक मतलब जो पुराना सॉल्यूशन होता था उसके मीडियम से तो करते ही हैं, एक नया एक इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक है तो उसके मीडियम से भी हम लोग इसमें कलर करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, और फिर लास्ट में फिर फिनिश करके हम लोग छिलाई करते हैं। सरकार द्वारा शुरू किए गए स्फूर्ति कार्यक्रम के तहत गांव में सोने और चांदी के उत्पादन के लिए एक समर्पित क्लस्टर स्थापित किया गया है। इस क्लस्टर के लिए बुनियादी ढांचा मौजूद है और आवश्यक इमारतों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा अत्याधुनिक मशीनरी क्लस्टर भवन तक पहुंचनी शुरू हो गई है। इस विकास से गांव में पंजीकृत स्वर्णकारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। स्फूर्ति कार्यक्रम के तहत क्लस्टर की स्थापना गाँव के आभूषण निर्माताओं के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। यह उन्हें अपनी कला को आधुनिक बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन प्रदान करेगा। इसको हम बेलेंगे मशीन में बेल के इसको कन्वर्ट करेंगे सीट में। ये देखिए सीट है, आ रहा है जी। इस प्रकार से सीट में कन्वर्ट करके हम लोग को डाय रहता है, जैसा शेप का जिस डिजाइन का निकालना रहेगा वैसा वैसा शेप में हम लोग निकालते हैं। जैसे सबका अलग अलग आता है, हाथ का चूड़ी का अलग हो गया, कान का बनता है, हार उर बनेगा, सबका अलग अलग जुड़ जुड़ के बनाया जाता है, जो हम लोग को छोटा छोटा पीस में काटते हैं, उसी सबको पीस काट के देते हैं, उसके बाद कारीगर अपना प्रोसेस करता है, उसको जोड़ जोड़ उड़ के बनाता है। ये मशीन आपका गोल्ड के जो भी ज्वेलरी बनेंगे उसके छिलाई पॉलिश के लिए है, और एक साथ इसमें दो आदमी काम कर सकते, कुछ बहुत काम इधर से एक आदमी करेगा, एक आदमी उधर से करेगा, और जितने तरह का ज्वेलरी सबका छिलाई पुलिस फिनिशिंग मतलब यहाँ से होगा। एक लौता ऐसा गांव है कि जहाँ पर लगभग 700 कारीगर एक साथ रहते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीका से आभूषणों का निर्माण करते थे, जिस पे इन्हें ज़्यादा समय भी लगता था और फिनिशिंग नहीं दे पाते थे। भारत सरकार के संज्ञान में आने के बाद इस गांव के लिए भारत सरकार ने इस स्फूर्ति योजना आवंटित किया। इस स्फूर्ति योजना के तहत इन्हें 3,65,94,000 की स्वीकृति दी गई। इस गांव में लगभग 700 कारीगर हैं, लेकिन सभी कारीगरों को एक साथ इस CFC बिल्डिंग में काम नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए हम लोगों ने इनिशियल फेज पे 500 कारीगरों को चयनित किया है। 500 कारीगर जिस काम को अपने घर पे 8 घंटे में करते थे, उसी काम को इस CFC बिल्डिंग में आ करके वो सिर्फ आधे घंटे में कर सकते हैं। इस CFC से इनको ये सुविधा होगा कि जो भी प्रोडक्ट इनका यहाँ पर बनेगा वो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी एवं फिनिशिंग के साथ होगा। इस पहल से अंततः न केवल व्यक्तिगत रूप में कारीगरों को लाभ होगा, बल्कि गांव की समग्र आर्थिक वृद्धि और विकास में भी योगदान मिलेगा।
सुकरीगढ़ा के कारीगरों को सशक्त, संगठित एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस क्लस्टर की स्थापना हुई है वहाँ पर आधुनिक मशीन्स के आने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि कई सारे मशीन शामिल हैं। इसमें बॉटम पोरिंग मशीन, वाइब्रेटर्स, रोलिंग जैसे मशीन्स हैं, जिससे वो काम जो कारीगर पहले 3 से 4 घंटे में करते थे अब काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। जो गुणवत्ता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और इसके साथ साथ उनके लिए एक पूरी नई मार्केट जो है वो खुल सकती है। इस गांव में मौजूद क्षमता को परखते हुए और इसे विकास के मार्ग पर लाने के उद्देश्य से हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने इसे गोद लिया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से सांसद जयंत सिंह के मार्गदर्शन में गांव का परिवर्तन वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रहा है। यहां बीते वर्षों में 15वीं वित्तीय योजना के अंतर्गत सड़क और जल निकासी के लिए बनाया गया नाला और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों का निर्माण शामिल है। हमारे गांव में 14 फाइनेंस के तहत ये रोड बना हुआ है, जिसमें अंडरग्राउंड नाली भी बना हुआ है साथ में, और 15 फाइनेंस के साथ आगे में ड्रेंज कम नाली बना हुआ है। और हमारा गांव आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद जयंत सिन्हा के द्वारा गोद लिया गया है। इसके अलावा पीएम आवास योजना के कार्यान्वयन ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्रामीणों के पास उचित आवास हो, जो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। पीएम आवास के साथ ही यहां भीमराव अंबेडकर आवास के जरिए भी विधवा महिलाओं को आवास मुहैया कराया गया है। मकान है पहले तो बहुत चूह हो, अब तो बन ले तो अच्छे लग रहा, एक के साथ सब सुतौली पूरा भिंज भिंज के बहुत तकलीफ एकदम हो गए। पानी मारल तक सब पे कान धोल कि कब मिलतक भगवान कही के, अब मिल ले तो तुम ठीक है रही है। पहले तो बहुत दुख झेले हलिय, अब मिलल दिन से तनी ठीके रहे। इंदिरा आवास मिलल और गैस भी मिलल। अरे गैस उस मिलल है, यह अपने काम है और कुछ नहीं। कष्टो नहीं रहिए, घर चुह हल, घर ने अथी करके रहिए, थारा लोटा छान छान रहिए। अब देखा तनी कुछ बनल तो तनी कुछ हमन के सुधारण हो गए। शिक्षा में निवेश गांव के भविष्य निर्माण में एक अहम निवेश है, जो अपने युवाओं को सफल जीवन जीने के लिए ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाता है। गांव में स्थित आंगनबाड़ी प्रारंभिक शिक्षा की आधारशिला के रूप में कार्य करते हुए बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार कर रहा है। लगभग 1000 के आबादी में चलता है, मेरा 1400 आबादी है आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर। तो हम लोग का मेन काम होता है कि गर्भवती और धात्री महिलाएं जो है उनका स्वास्थ्य का देखरेख करना, पोषण स्तर का देखभाल करना। 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका पोषण और उनका स्वास्थ्य का जांच टीकाकरण वो होता है, उसमें ध्यान देना। और बच्चा का प्रति माह हम लोग वजन वगैरह लेते हैं और ये बच्चा कुपोषित हो रहा है कि स्वस्थ है, इसके प्रति उसके माँ बाप को जागरूक करते हैं और लोगों को सही जानकारी देते हैं खान पान में सुधार के लिए। जैसे बच्चा कोई कमज़ोर है तो हम लोग उसको MTC में भर्ती करने के लिए भेजते हैं। फिर 3 से 6 साल का बच्चा लोग को आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा हम लोग को स्कूली शिक्षा जैसे कॉपी किताब में नहीं है, बल्कि है कि खेल खेल में पत्ता फूल ये सब से हम लोग अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। दूसरी ओर यहाँ मौजूद उच्च विद्यालय द्वारा बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संचार किया जा रहा है। स्मार्ट कक्षा, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं से सुसज्जित इस विद्यालय में व्यापक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लास KG से लेकर के 10 तक चलता है और इस 22-23 के सेशन में लगभग 351 बच्चे नामांकित हैं। इतने बच्चे होने के बावजूद भी हमारे यहाँ उतने टीचर नहीं हैं कि बच्चों को हम लोग सही तरीके से शिक्षित कर सकें, लेकिन जहाँ तक हो हम लोग यहाँ पे 9 शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं और इसी से हम लोग 11 क्लासेस को हैंडल करते हैं। आंगनबाड़ी
स्मार्ट क्लास भी चलता है और क्लास रूम नहीं होने के कारण हम लोग अपने विद्यालय को दो शिफ्ट में चला रहे हैं। हालांकि कुछ बुनियादी ढांचे की कमी के कारण शिक्षकों के सामने अभी भी चुनौती बनी हुई है। इन मुद्दों के समाधान के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। एक बार पूरा होने पर उन्नत बुनियादी ढांचा शिक्षकों को अधिक कुशलता से शिक्षा प्रदान करने में सक्षमता प्रदान करेगा। सुकरीगढ़ा गांव में हर घर नल योजना कार्यान्वित है, जिससे ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है और दूषित जल स्रोतों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आई है। कई घरों तक यह सुविधा पहुंच चुकी है और कुछ घरों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन ने रोजगार के अवसर पैदा करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। इनमें मुख्यतः आम की बागवानी, डोभा एवं कुएं का निर्माण शामिल है। मेरी पत्नी के नाम से ये बागवानी सरकार के द्वारा जो है मनरेगा के तहत दिया गया है और इसमें प्लांटेशन आम का और सागवान का वर्तमान में देखिए लगा हुआ है और आगे कार्य योजना है इनको लगाने का। ये सरकार की तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, रह गया इसको अच्छे ढंग से जो है संचालन करने का। अच्छे ढंग से संचालन मनरेगा के जो हमारे रोजगार सेवक हैं स्टार्टिंग तो किए हैं, ठीक आगे देखते हैं। 3 साल का वो बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट है, 3 साल में हम पूरा पेड़ इसमें भर देंगे, अच्छा से लगवा देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ये लग जाएगा तो बहुत आए दिन हम लोग को भी फायदा होगा और वातावरण भी बहुत शुद्ध होगा यहाँ पर। इन सराहनीय प्रयासों के बावजूद यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि समग्र ग्राम विकास की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर अभी भी ध्यान और निवेश की आवश्यकता है। यहाँ पे 20-25 कुआं खुदाई चल रहा है, आम बागवानी, अमृत वाटिका, तालाब का गहरीकरण और जितने भी चापानल है वहाँ पे जो पानी आता है उस पानी के लिए सोखता निर्माण कराएं ताकि जल छाजन हमारा हो सके, हमारा वाटर लेवल जो है हमारा विकसित हो सके, हमारा गांव का पानी हमारा गांव में ही रहे, इस उद्देश्य से हम TCV का भी निर्माण कराते हैं। इस तरह से हमारा नरेगा में जो है जो स्कीम चलता है उसका संचालन मेरे और ग्राम पंचायत के द्वारा देख रेख करके यहाँ कार्यकारिणी के द्वारा और जो है देख रेख जो करते हैं उसके माध्यम से सारी योजनाओं का संचालन करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य वास्तव में सभी आवश्यकताओं के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि यह समृद्ध जीवन की नींव बनाता है। इस गांव में सरकार की आयुष्मान योजना ने यहां के निवासियों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु गांव में स्वास्थ्य केंद्र की कमी अक्सर आपातकालीन वक्त में मुश्किलें बढ़ा देता है। ऐसे में सहिया दीदी की मौजूदगी काफी अहम हो जाती है, जो यहां गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल और बच्चों की बीमारी के संबंध में गाँव में प्रबंधन का कार्य करती है। यहाँ पे जितने भी माँ और बच्चे, जितने भी टीकाकरण, जितने भी लाभार्थी का काम होता है सारा काम करती हूँ मैं। सबसे पहले तो जो गर्भवती महिला होती है उन लोग को घर घर जाके पता करते रहते हैं कि कौन गर्भवती है, फिर उसको आंगनबाड़ी में जाके पंजीकरण करवाते हैं और वहाँ NM दीदी आती है महीने में एक बार, फिर वो सुई लगाती है, कार्ड बनाती है, आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली देती है और बच्चों का टीकाकरण होता है। इसके अलावा जो भी गर्भवती महिला रहती है उन लोग को हम लोग बताते हैं कि किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो हम लोग अपना नंबर दे देते हैं,
कि रात अंधार कभी भी कोई दिक्कत हो हमको तुरंत कॉल कीजिएगा और तुरंत हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। हालांकि गांव ने अपनी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर ध्यान देने और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने और गांव के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और समुदाय दोनों की प्रतिबद्धता आवश्यक होगी। सरकार के सौम्य प्रोत्साहन और अपने निवासियों की एकजुट भावना के साथ यह गांव झारखंड के एक प्रतिष्ठित प्रकाश के स्तंभ में बदलने की क्षमता रखता है। सुकरीगढ़ा गांव के निवासी अगर अपनी पूरी निष्ठा के साथ मिलजुल कर कार्य करें तो प्रदेशवासियों के लिए एक प्रभावशाली उदाहरण बनकर खड़े हो सकते हैं कि जब दृढ़ संकल्प और दृष्टि मिलती है तो मुश्किल से मुश्किल चुनौती को सफलता के सार में परिवर्तित किया जा सकता है। सुकरीगढ़ा के ग्रामीण इस गांव को स्वर्णगढ़ कहकर बुलाते हैं और बात सही भी है। जिस गांव का हर घर स्वर्णकारों से भरा हो उसके लिए इससे बेहतर और क्या नाम हो। यहाँ पर आज भी जो कारीगर हैं वो असंगठित समूह के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आशा है कि सरकार द्वारा लाए गए पहल से हमें जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस गांव को 2013 में संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जयंत सिन्हा द्वारा गोद लिया गया था, लेकिन एक दशक बाद भी जिस गति से विकास का कार्य होना चाहिए था उसमें हमें कहीं ना कहीं अभाव नज़र आया। हम उम्मीद करते हैं कि स्वर्णकारों के लिए और साथ ही साथ विकास की जो योजना है उस पर सही ढंग से काम होगा। अब हमें दीजिए इजाजत, हम आपसे फिर मिलेंगे गांव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।